नमस्कार साथियों, एक बार फिर हरियाणा की भाजपा सरकार दिहाड़ी पर अध्यापक लगाकर जेबीटी अध्यापकों को जिन्होंने बीएड और डीएड पास किया है उन्हें गुमराह करने का एक नया षड्यंत्र कर रही है। हरियाणा कौशल निगम से अब 2800 जेबीटी अध्यापकों की दिहाड़ी पर नियुक्ति होगी। क्या होगा उन बच्चों की जिंदगी का और क्या होगा उन बच्चों को जिनको वो पढ़ाएंगे, सवाल सीधा है। इसके 4 या 5 महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसका जवाब भाजपा की सरकार नहीं देगी, पर सवाल पूछना जरूरी है क्योंकि इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करना जरूरी है। नंबर 1, आखिरी बार हरियाणा में जेबीटी अध्यापकों की नियुक्ति हुई थी साल 2012 में कांग्रेस सरकार में। हमने 12,731 जेबीटी अध्यापक लगाए। 2012 के बाद 2024 आ गया, जब चुनाव में 2 महीने बचे हैं, तो 12 साल बाद अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिहाड़ी पर कौशल विकास निगम के माध्यम से 2800 अध्यापक लगा रही है। ऐसा क्यों? क्या इसका जवाब वो देंगे? दूसरी बात, 7,50,000 बीएड और डीएड के बच्चों से पीआरटी का एचटेट एग्जाम लिया। हम 400 रुपया फीस लेते थे, पर एचटेट की फीस ली 1,000 रुपया, यानी 7,50,000 बच्चों से इन्होंने एचटेट एग्जाम के माध्यम से प्राइमरी टीचर के लिए 75 करोड़ इकट्ठा किया। पर दशक बीत गया, आज तक भी एक भी टीचर की, परमानेंट जेबीटी टीचर की नियुक्ति क्यों नहीं हुई? 12 साल से जेबीटी टीचर क्यों नहीं लगाए गए? उन 75 करोड़ रुपयों का जो बच्चों ने दिए वो कहां गए? क्या इसका कोई जवाब बीजेपी के पास है? तीसरा पहलू, 5 सितंबर 2019 को किराना देवी के केस में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भाजपा सरकार को फटकार लगाई कि जेबीटी टीचर क्यों नहीं लगा रहे। 25,000 रुपया जुर्माना भी लगाया। तो भाजपा सरकार ने शपथ पत्र दिया और कहा कि वो बहुत जल्द 9,670 जेबीटी टीचर लगाएंगे, पर 2019 से 2024 आ गया, अब तो इन खाली पदों की जेबीटी की संख्या भी 11,000 से अधिक हो गई। तो 12 साल से और 2019 से 2024 6 साल के बीच में एक भी जेबीटी टीचर क्यों नहीं लगाया? क्या इसका कोई जवाब बीजेपी के पास है? चौथा पहलू, 2021 के विधानसभा सत्र में खट्टर साहब ने बाकायदा विधानसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि अब हम जेबीटी टीचर लगाएंगे ही नहीं क्योंकि बीएड और डीएड की जरूरत ही नहीं। उसके बाद 7 नवंबर 2022 को, ये तारीख याद रखिए, भाजपा सरकार ने हरियाणा की नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई को लिखकर कहा कि उन्होंने हरियाणा में बीएड और डीएड दोनों खत्म कर दिए हैं। अब सवाल ये है कि एक तरफ तो विधानसभा के पटल पर उस समय के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर ने कहा बीएड डीएड खत्म, जेबीटी टीचर की जरूरत नहीं। 7 नवंबर 2022 को आपने एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को कहा जेबीटी टीचर की जरूरत नहीं। तो अब क्या बच्चों का बेवकूफ बनाने के लिए 2800 जेबीटी टीचर की पोस्ट कौशल विकास निगम के माध्यम से निकाली है? क्या इसका कोई जवाब मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार देगी? क्या सच है और क्या झूठ है? और आखिरी बात, जेबीटी जब हरियाणा कौशल निगम से निकालेंगे तो 100-100 किलोमीटर से ज्यादा दूर नौकरियां लगेंगी, टाइम पर सैलरी नहीं मिलेगी, 1 साल के बाद फिर नौकरी ढूंढनी है, तो बच्चों का बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? इसलिए केवल के 60 दिन बाद चुनाव है तो बेवकूफ बनाकर वोट बटोरो और उसके बाद नौकरियां खत्म कर दो। एक तरफ बोलते हैं जेबीटी की जरूरत नहीं, बीएड डीएड की जरूरत नहीं, दूसरी तरफ आप 2800 पद निकालते हैं वो भी 12 साल के बाद, जब कुल पद 11,000 से अधिक खाली हैं। क्या श्रीमान नायब सैनी इन बातों का जवाब देंगे? क्या बीजेपी की सरकार इन बातों का जवाब देगी? जेबीटी बच्चों का, बीएड और डीएड पास बच्चों का
आप बेवकूफ बनाने का षड्यंत्र क्यों कर रहे हैं और दिहाड़ी के अध्यापक किस प्रकार से अपनी जिंदगी जी पाएंगे और कैसे बच्चों को बढ़ा पाएंगे, इन सब बातों का जवाब हरियाणा की बीजेपी सरकार को देना होगा। जय हिंद, धन्यवाद।